वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग से। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए प्रसाद। साथ ही साथ में खाना बनाने की तैयारी भी चल रही है। हस्बैंड तो अभी आए नहीं है ड्यूटी से, वैसे टाइम हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे वो भी, तो उनके आने तक मैं बना लेती हूँ खाना। और जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि रामलीला और नवरात्रियाँ इतनी ज़ोरों शोर से चल रही हैं, जगह जगह पे दुर्गा पूजा और रामलीला चल रही हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, हम लोग गए थे रामलीला देखने और आज भी सोच रहे हैं हम कि कहीं जाएं, या तो रामलीला में या तो दुर्गा पूजा में। तो देखते हैं आज कहाँ जाना होता है, रामलीला या दुर्गा पूजा। उसके लिए आप आगे पढ़ते रहिए वीडियो में, पता चल जाएगा आपको। तो पहले मैं बना लेती हूँ फटाफट से माता रानी के लिए प्रसाद और उसके बाद बना लूँगी मैं खाना। तो फिर मिलती हूँ आपसे। शाम की पूजा भी हो गई अभी और खाना बना के भी मैंने रख दिया है। रामलीला या दुर्गा पूजा कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, लेकिन अभी तक हस्बैंड आए नहीं है। पता नहीं आज लेट क्यों कर दी। लेट क्यों किए? 8 बजे आ रहे हो? ये घूमने गया था। देखो लो, तो अकेले अकेले घूमने जा रहे हैं, मेरे को भी नहीं जा रहे। काम ज्यादा था क्या? चलो फटाफट से खाना बनाते हैं फिर जाएंगे अभी थोड़ी देर। अरे यार, इतनी जगह को हो रही है रामलीला, हो रही है दुर्गा पूजा, हो रही है। ये बना रही हूँ एक स्पेशल सब्जी, बना रही हूँ आज फटाफट से। मैं बनाती हूँ सब्जी फिर निकलते हैं। तमिल का चाहिए रही, पूरा जल गए हो। अरे गैस फुल कर रही, ध्यान दे जाओगे। खाने में बना है आज व्रत स्पेशल दम आलू बिना लहसुन प्याज के। इसमें बस टमाटर डाल रखा है और सूखी लाल मिर्च डाली है। तो अभी हमारा प्लान बन रहा है दुर्गा पूजा में जाने का। एक दिन रामलीला, एक दिन दुर्गा पूजा में जाएंगे। रोज़ अलग अलग जगह की रामलीला और दुर्गा पूजा दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, मैं तो रेडी भी हो गई हूँ। आजकल दुर्गा पूजा के लिए जगह जगह पे पंडाल बने हुए हैं। चलिए आज आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा कैसे मनाई जाती है। शायद हम लोग सही टाइम पर आ रहे हैं, अभी आरती का टाइम भी हो रहा है। सबसे पहले तो एक बार हम आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको यहाँ पर और क्या क्या है।
दुर्गा पूजा में यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। फूड कॉर्नर है, मेकअप आइटम्स, ज्वेलरी, कपड़े हैं, सूट, साड़ियाँ, जीन्स, टी शर्ट। इसके अलावा लकी ड्रॉ है, बच्चों के लिए गेम्स में मिकी माउस, छोटी छोटी साइकिल, गाड़ियाँ और भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इस दुर्गा पूजा की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है यहाँ की डेकोरेशन। डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई है और हर एक चीज़ हाथ से बना रखी है। पुराने पेपर का इससे अच्छा यूज़ मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखिए जो ऊपर आपको झालरें दिख रही हैं, ये पुराने न्यूज़पेपर से बना रखी है। और बच्चों ने पेंटिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी बना रखी है। हर एक चीज़ हैंडमेड है यहाँ पे। इसके सामने ही एक सांस्कृतिक मंच भी बनाया गया है, तो चलिए आपको भी सांस्कृतिक मंच की ओर ले चलते हैं। हम आपके लिए लेकर आए कुछ अनोखे, कुछ अलौकिक और कुछ भव्य कार्यक्रमों की एक सुंदर सी प्रस्तुति। तो आइए आज की संध्या का आगाज करते हुए बुलाते हैं उस कलाकार को, जिस कलाकार को बड़े बड़े मंचों पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया गया। भरतनाट्यम और कथक का जो ये मिश्रण करती है वो वाकई में सराहनीय काबिले तारीफ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।